आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बाबा ने जॉब खोला इतिहास, महंगाई रोने वाले कांग्रेसी बगले जागते रह गए, मोदी वर्सेस राहुल गांधी 2024। मोदी जी का राहुल गांधी जी के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं, मैं वर्सेस भी निकाल दो। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए, 70 में पेट्रोल लेते थे, अब 100 में मिल रहा है। अरे तुम्हारे को कौन, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, जब तो सवाल। अरे मैं बताऊँ ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी, जो ये बक बक करते हैं ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी, इनके बड़े बूढ़े कमाते कमाते मर गए, और वो साइकिल नहीं खरीद पाए एटलस की, उसमें डायनोमा भी होता था लगा हुआ, समझे। और आज आज जरा जरा सा बच्चा 10,000 रुपए के मोबाइल लेके घूम रहा है। ये 26 साल थे, इनका बाप कौन था ये जिसने 25,000 लोगों की रोजी रोटी छीनी? 26 साल से ये रबड़ ये रबड़ फैक्ट्री बंद पड़ी है, 26 साल हो गए भैया, 26 साल हो गए इसको रबड़ फैक्ट्री बंद हुए। कहाँ की है? जिला बरेली की है, 26 साल हो गए। और रामपुर के अंदर 3 मिलें बंद पड़ी हैं, एक कपड़े की मिल बंद पड़ी है 22 साल से, और एक गत्ते की और एक कागज की। तब खुलवाएगा कौन इनको? आतंकवादी जिन्होंने मिलों का माल भी खा गए, ले गए लूट के सब। हमारा अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिया था, दिल्ली में म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, 1957 में भंग करा दी आतंकवादी ने, 1957 में, 1958 में बना दी कारपोरेशन, इसका नाम रखना था कर परेशान। गरीब की रेड़ी 1,000 की और जुर्माना 2,000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए, ये तो चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। नाम क्या है साहब जी? नाम क्या है साहब आपका? हमारा चंद्रमोहन कच्छप, बरेली से है। अरे दिल्ली से, चावड़ी बाजार से, समझे। ये रहे सारे सबूत रखे हैं हमारे पास, समझे, सारे सबूत है हमारे पास। लूटा है, क्या लग रहा है 24 में क्या होगा देश में? ये देश दुनिया, आपको नहीं मालूम होगा, आपके बड़े बूढ़े ने भी नहीं बताया होगा, बता दो, मैं आपको बता रहा हूँ, समझे। 1962 में जब हमारे ऊपर हमला कर दिया ना चीन ने, मोदी, वो क्या नाम है, जवाहरलाल क्या बोले, कहते भाई हो बहनों, देश को खतरा हो गया है, रुपया पैसा सोना चांदी दान करो। वो भोले भाले लोग थे, भोले भाले लोग थे, गरीब लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उन्होंने, वो कहते हैं कि देश है तो हम है, देश है तो हम है, अपने ही नहीं अपने बच्चों के भी उतार उतार के ऐसे फेंक दिए जेवर, जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहा है। वो दुनिया की दौलत इनकी जेब में है, ये आज चौथे नंबर पे देश के, वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर पे सबसे अमीर कहाँ से हो गई, ये दौलत इनके पास कहाँ से आई है, सारे देश की लूटी हुई संपत्ति इनके पास है, समझे। राजाओं के रजवाड़े खत्म कर दिए, नवाबों की नवाबियां खत्म कर दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, 1,000 के नोट बंद करवा दिए थे, लोगों ने भर भर के बोरे खत्ते में डाल के आग लगा दी, जमुना में बहा दिए, गंगा में बहा दिए, नदी में नालों में बहा दिए, सरकारी कर्मचारियों से कह दिया तुम्हारे 2 बच्चों से ज्यादा है तुम नौकरी छोड़ दो। कहना क्या चाहते हो? 2 बच्चों से ज्यादा है नौकरी छोड़ दो, या 5-5 केस लाके दो। उन्होंने नौकरी बचाने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा, उनकी नसबंदी करवा दी, समझे। और वो 10 करोड़ बांग्लादेशी बुलाए थे, जब बांग्लादेश के टुकड़े कर आए थे ना पाकिस्तान के, वो शरणार्थी बुलाए थे, हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया था, समझे, वो उनको 200-200 रुपए दे के उनकी नसबंदी करा दी, अपना कोटा पूरा कर लिया। इंदिरा गांधी तो ले रही थी दुनिया के गले का नाप, और इंदिरा गांधी का गले का नाप ले लिया किरण बेदी ने, इसकी 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 गाड़ी उठा के डाल दी 3 मूर्ति थाने में। इंदिरा गांधी को रात को नींद नहीं आई, सारी रात तड़पती रही इंदिरा गांधी, उनने सोचा अबे इनने तो हमारे गले पे हाथ डाल दिया, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना उसके गले में कहीं फांसी का फंदा ना डाल दे। इनने क्या करा, सुबेरे उठ के आनन फानन में विशेष सत्र बुलाया और ऐसा कानून बनाया कि जनरल इंस्पेक्टर, दिल्ली में पहले पुलिस कमिश्नर नहीं थे, आईजी हुआ करते थे, उन्हें बोलते थे जनरल इंस्पेक्टर, इनने जनरल इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह भिंडर उनको क्या करा, कमिश्नर बना दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया झुंझुना। 1 घंटे के बाद में खबर आती है उनका बोरिया बिस्तर बंधवा दिया, यानी ट्रांसफर। अब ये बेचारे रह गए कमिश्नर साहब, हाथ में लेके बैठे हैं झुंझुना, अब तुम करे जाओ कॉमनवेल्थ घोटाला,
2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला महाराष्ट्र में, बसों में घोटाला दिल्ली में 13-13 लाख का, एक वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15 का, कोला घोटाला मनमोहन सिंह कर गए, बिजली पानी का घोटाला वो शीला कर गई, मीटर ऐसे भागने लगे जैसे मीटर नहीं भाग रहा, कोई रेलगाड़ी का पहिया भाग रहा। एक किलो बांट के मीटर बना दिए, 4-4 किलो बांट के, गैस का सिलेंडर 1400 रुपए का, वो भी साल में 6, दालें 150 रुपए किलो, अरहर की दाल 200 रुपए किलो, चीनी 50 रुपए किलो, और सड़ी हुई प्याज जिसे जानवर भी ना खाए वो 100 रुपए किलो। लूटे जाओ देश को, कोई बोलने वाला नहीं है। कमिश्नर साहब के हाथ में, कमिश्नर साहब के हाथ में झुंझुना, वो हाथ नहीं डाल सकते। हमने सोचा मायावती आ रही है, वो कुछ करेगी हमारे लिए। उनने क्या करा, हमें हाथी पकड़ा दिए, मुलायम बना बनाए खड़े कर दिए ना हाथी, और मुलायम ने क्या दिया, गोलियां मार मार के सरयू नदी में बहा दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य सही बता रहे उन गोलियों को। और वो क्या नाम है, सवाल तो सुन नहीं रहे, सवाल तो सुनो, इसको भी लगेगी, इसे भी लगेगी गोली, ये भी खाएगा, ये भी खाएगा। स्वामी प्रसाद कभी ग्रंथों पे सवाल उठाता है, हमारे सामने जब बैठेगा ना तो हम इसे बताएंगे, ये ग्रंथों के ऊपर जो आरोप लगाता है ना, ये नेता नहीं बताएंगे, हमारे जैसे बताएंगे, जैसे ये हमारे ग्रंथों के ऊपर जो आरोप लगाते हैं ना, समझे, उसका जवाब हम देंगे। अच्छा ये बताओ, 9 साल में देश में क्या बदला, क्या बदला देश में 9.5 साल में? हमारे घर में लाइट नहीं थी, बरेली के अंदर लाइट आ गई, लाइट आ गई, हमारे 70 साल से लाइट नहीं थी, अब आइए वो मोदी के योगी के राज में, समझे, लैटरिन बाथरूम नहीं थे, घर घर के अंदर लैटरिन बाथरूम आ गई, अब नल लग रहे हैं, नल घर घर के अंदर आ गए, टंकी अभी लगनी बाकी रह गई है, टंकी नल फिर पैप लग गए, टोटियाँ लग गई, सारे काम हो गए, लेकिन टंकी रह गई है, अभी 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, वो भी पानी भी आएगा घर के अंदर। बच्चों को नौकरी कहाँ मिली, बच्चों को नौकरी कहाँ मिलेगी बेटा, भाई यही मत कहो, यही मतलब, मेरे लड़के ने तो नौकरी छोड़ दी, मेरे लड़के ने तो नौकरी छोड़ दी, आप करोगे नौकरी, आज मेरी बात सुनिए, आज बिहार से बंगाल से, बिहार से बंगाल से आज क्या हाल हो रहा है, ये यहाँ ये देश के अंदर आज हजारों लाखों लोग बिहार के बंगाल के आए हुए हैं, हजारों रुपए रोज पैदा कर रहे हैं, वो बैटरी वाली गाड़ी चला कर, प्रेम करो, बैटरी वाली गाड़ी चला कर, पहले 70 में पेट्रोल लेते थे, अब 100 में मिल रहा है। अरे तुम्हारे को कौन, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, जब तो सवाल, अरे मैं बताऊँ ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी, जो ये बक बक करते हैं ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी, इनके बड़े बूढ़े कमाते कमाते मर गए, और वो साइकिल नहीं खरीद पाए एटलस की, उसमें डायनोमा भी होता था लगा हुआ, समझे, और आज आज जरा जरा सा बच्चा 10-10 हजार रुपए का मोबाइल लेके घूम रहा है, मोबाइल लेके घूम रहा है। अच्छा एक बात बताओ, राहुल गांधी है, जानते हैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी को जानते हैं, कौन है, मैं जानता ही नहीं राहुल, हम नहीं जानते राहुल, विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता, भैया कोई पाकिस्तान से तो नहीं आया राहुल, हम नहीं जानते इसको, अरे भारत के ही नागरिक, अरे भारत का कहाँ से है, क्या कौन सा राहुल है, राहुल गांधी, हम नहीं जानते राहुल को, हम नहीं जानते, हम तो मनमोहन सिंह को जानते हैं, मनमोहन सिंह थे, जवाहरलाल थे, इंदिरा थी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के पोते, राजीव गांधी था, राजीव गांधी के लड़के, राजीव गांधी जो था वो कहता था हम 100 रुपए बेचते हैं और 1 रुपया पहुंचता है, भैया क्यों पहुंचता है, तुम्हारी सरकार का तेल बेच रही है, अब 100 के 100 पहुंच रहे हैं, अब 100 के 100 पहुंच रहे हैं, अब 100 के 100 पहुंच रहे हैं। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चले हैं मणिपुर से, तोड़ो, तोड़ने की बात करो, तोड़ो, ये टुकड़ा गैंग है, टुकड़ा गैंग है ये, अरे वो गरीबों की बात कर रहे हैं, ये बेरोजगारों की, गरीबों की, ये किसानों को लूटा है इन्होंने 70 साल, किसानों की जमीनें छीनो और सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे कराओ, झोपड़ियां डलवाओ, और जब 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 इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ और सवेरे जाकर के आलू पूड़ी बंटवाओ, गरीब को और गरीब बना के रखो ताकि वोट बैंक पक्का बना रहे, अगर ये अमीर हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा, समझे, मोदी ने गरीबी हटाई है क्या, अरे मोदी तो पक्के मकान बना के दे रहा है, किसी की जमीन नहीं छीन रहा मोदी, किसी गरीब किसान की जमीन नहीं छीन रहा मोदी, समझे, देश को हिंदू मुस्लिम पे बांट दिया, किसने बांट दिया, मोदी ने, ये डाकुओं ने बांटा है, ये डाकुओं ने बांटा है हिंदू मुस्लिम को, अगर हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटते ना तो ये हमारा जो सत्ता अंग्रेजों का दिया हुआ लाइसेंस है ये रेनू हो गया होता, रेन्यू हो गया, हाँ रेनू हो गया होता।
ऐसा लगा कि सुनते रहे दादा को जबरदस्त, बहुत बहुत बढ़िया बोले, मतलब उन्होंने सब प्रूफ पे बात, उसके पास हिस्ट्री एक देखने की चीज वो भी थी ना, उसके पास हिस्ट्री भी थी, उसके पास प्रूफ भी थे सब, मतलब डेट वाइज भी, और उन्होंने जो एटलास कंपनी की साइकिल का जो एग्जांपल दिया वो एग्जांपल मेरे हिसाब से सही बैठ रहा है। वो क्यों बैठ रहा है मैं ये बताऊं, अब हमें कांग्रेस है या और विपक्ष पार्टी वो क्या बता रही है, इतनी महंगाई होगी, फलाना होगा, बेरोजगारी होगी, हाय 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 हाय। हाँ तो भाई पहले के जमाने में 100 रुपये की एटलास आ रही थी, अब तो 5-6 हजार से भी नीचे नहीं मिल रही है ना। अभी कांग्रेस के टाइम पे जब मैंने साइकिल लिया था तब कांग्रेस थी, ठीक है, उस समय पे साइकिल मैं बात कर रहा हूँ करीबन 2007 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को भी एग्जैक्ट मालूम नहीं है, उस समय 1500 रुपये की साइकिल मिल रही थी, छोटी साइकिल, ठीक है। दूसरी बात, ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं भाई, दूसरे देशों से हमारे यहाँ अच्छा है कि महंगाई कम है, बाकी पूछ लो भाई। हाँ, बाकी कोविड के बाद किसी की भी इकोनॉमी स्टेबल नहीं रह पाई हो, नहीं, सब प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम यही है कि ये लोग राजनीति करते हैं, उनका काम है राजनीति करना, और वो जो राजनीति कर रहे हैं उसको समझना काम है हमारा, ठीक है, तो समझो। वो लोगों को देखो, उनको तो सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए, तो उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। और उस बट वोट देने वाले कौन है, मतदाता हम होते हैं। और ये जो चाचा थे उन्होंने वो दौर भी देखा है और ये दौर भी देखा, दोनों उसको देखा। मतलब उन्होंने भाई क्लियर बोल दिया कि भाई मेरे घर में, मेरे घर में 70 साल से बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, बिजली आ गई, फिर टॉयलेट बाथरूम नहीं थे, सरकार ने टॉयलेट बाथरूम दिए, मकान नहीं थे, मकान मिल गया, पानी नहीं था तो नल लगवाया, बिल्कुल। तो हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें जरूरत होती है वो तो मिल, और रोजगार का पोषा उसने बोला, मेरे बेटे ने तो रोजगार ही छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, मतलब बिजनेस करने लगा, बिजनेस स्टार्ट किया होगा। और ये जो रोजगार, जो भी लोग रोजगार की बात कर रहे हैं ना, रोजगार नहीं है देश में, रोजगार नहीं है, उनको जो ये वर्ड्स बोले ना, रोजगार नहीं, उसके पॉकेट में हाथ डालो, मोबाइल देख लो, पर्स देख लो, उसके कपड़े देख लो, सूट बूट पहन के, जैकेट बैकेट पहन के, आईफोन, तो वो भी एग्जांपल दे दिया ना, वो भी एग्जांपल दे दिया है कि आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में 10-10 हजार रुपये के मोबाइल होते हैं, तो कहाँ रोजगार नहीं है, ऐसे ही आ गया मोबाइल। और दूसरी बात ये है कि लोगों के अब तो ज्यादातर आईफोन दिख, यंगस्टर के पास में बात कर रहा हूँ, आईफोन ही लेते हैं, एक एक लाख का, तो ऐसे ही आ गया भाई। रोजगार, रोजगार भाई, पहले आप क्लियर करो कि किस चीज का रोजगार नहीं है, रोजगार आप कौन, किसको रोजगार मानते हो, ये क्लियर करो, फिर बोल दिया करो कि रोजगार नहीं है, रोजगार भर भर के पड़े, काम करने वाले, काम करने वाले कम है अभी हमारे इंडिया में, मतलब सब अपना, मतलब स्टार्टअप या बिजनेस, दो तीन वेबसाइट है, दो तीन वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, दो तीन ही जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, आप गूगल में जाके आप सर्च कर लीजिए कि भाई फलाने सिटी में नौकरी, तो आपको बहुत भर भर के वेबसाइट मिल जाएगी, जाके सर्च कीजिए। और अब तो वो भी करने की भी जरूरत नहीं है, जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो, बड़ी बड़ी कंपनी का लिस्ट उठा लो, कंपनी की वेबसाइट में टैब होगा कैरियर करके, वहां पे जाइए, आपको वहां पे भी मिल जाएगा। उसके अलावा एक सोशल मीडिया ऐप है जो ज्यादातर नौकरियात लोग यूज कर रहे हैं, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन में आप जाइए और वहां पे आपका जो एजुकेशन है या तो आपका जिस हिसाब से एक्सपीरियंस है, उन लोगों के साथ आप कनेक्ट हुइए, तो आपको भर भर के रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार सबको व्हाइट कॉलर वाला चाहिए, सिद्धि, मतलब कॉलेज पूरा हुआ या नहीं, गवर्नमेंट घर पे लेटर, सैलरी हो मंथली, और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़े बड़ा घर हो, ये बस यस, इनको सब रोजगार बोलते हैं। बिल्कुल रोजगार उसको बोलते हैं लोग, रोजगार हर एक चीज में ढूंढने जाओगे तो मिलेगा, जिसको आरामदायक चाहिए उसको नहीं मिलने वाला, जिसको मेहनत नहीं करनी उसको रोजगार नहीं मिलने वाला, बाकी सबके पास रोजगार है। रोजगार की बातें छोड़ दो, मेहनत करोगे तो मिलेगा, के बिना कुछ नहीं मिलता, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री होती है डॉक्टरों के पास, उनको भी मतलब पेशेंट, मतलब वो तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि भाई तुम्हारा काम है कर्म करना, फल का देना काम है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मेरा, यानी कि कृष्ण भगवान का, ठीक है। तो आप पहले मेहनत तो करो, खुद का कर्म तो कर लो, रोजगार तो अपने आप आपके सामने आपका पैर सूएगा, बट मेहनत नहीं करोगे तो घर में जो अम्मा है ना वो भी मुंह में आपको एक निवाला भी नहीं देगी, ठीक है। हम छोटे बच्चे होते थे तब हमारे मुंह में निवाला, हमारे
मम्मी है तो फादर है जो भी है वो रखते थे। जैसे ही समझदार हो गए बड़े थोड़े बहुत हो गए फिर क्या बोलते बेटा अब तू खुद खा सकता है। तो वहां हमें सीख वहीं से ही मिल जाती है कि अब हम बड़े हो चुके हैं हमारा रोजगार हमें मेहनत करके प्राप्त करना पड़ेगा, कोई नहीं देगा, सरकार नहीं माँ बाप भी नहीं देंगे, वो भी घर पे पिछवाड़े में एक लात मारेगा बेटा नौकरी करने जा, पांच पैसा कमा के घर में आ तब तेरे को खाना मिलेगा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें बताइए। फिलहाल हम आपसे विदा ले रहे हैं लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ प्यार से और दिल से। टिल देन जय हिंद जय हिंद जय भारत।